अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फालूदा। और फालूदा बनाने के लिए मैं विकीफील्ड का फालूदा मिक्स जो है वो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है रोस्ट फ्लेवर का फालूदा मिक्स, और बहुत इजीली बन जाता है। और मैंने घर में कैसे प्रिपेयर करें पाउडर, उसकी भी रेसिपी दी हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध यहाँ पे ले लिया है, और इसमें 1 ग्लास के जितना पानी डालेंगे, ठीक है। 1 ग्लास पानी डालेंगे, और 1 लीटर में हाफ ले रहे हैं तो आधा, 3 से 4 मिनट के लिए इसको बस गर्म करना है, मींस जब इसको बस हीट करना है, ठीक है। जब दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें आप जो फालूदा मिक्स का पाउडर है वो डाल देंगे, और डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और इनको जो है ना लगातार चलाते रहना है, मींस इसको चलाते रहें। और इसमें अभी मैं आपको दिखाती हूँ सेवैयाँ, वो जो सेवैयाँ है ना बस उसी को पकाना है। ये देखिए आप, ये सेवैयाँ जो इसके अंदर होती हैं, इसको ये गल जाए उसे तब तक पकाना है, और जो दूध है वो थिक सा हो जाए। तो मैंने इसका जो पाउडर घर में बनाया था उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है, अपने पसंद के फ्लेवर्स आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो और कोई डिफरेंस नहीं था, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये पाउडर मुझे मिला था तो फिर मैंने बना लिया। तो इसको देखिए मैं चला रही हूँ लगातार, ताकि जो दूध है वो बॉटम पे स्टिक ना हो, और बिल्कुल प्रॉपरली जो है ये बॉइलिंग स्टेज पे आ जाए। दूध अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और रेडी टू बॉयल है, और धीरे धीरे आप इस पे देखोगे नीचे से बबल्स आना स्टार्ट होंगे छोटे छोटे। ये देखें आप, बस इसका मतलब उबाल आना शुरू हो चुके हैं। इनको अब फिर थोड़ा सा फुल फ्लेम पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि सेवई गल जाए, दूध का मिक्सचर थिक हो जाए। देखिए अब इसमें बबल्स बड़े बड़े बनने लगे, मीन्स ये अब तेज़ी से बॉयल होने लगे हैं। बिल्कुल दूध देखिए क्रीमी दिख रहा है, और इसमें पानी डालना ज़रूरी है। पानी डालेंगे तभी थोड़ा सा दूध यू ना पतला हो जाएगा, और उसके बाद फालूदा पाउडर जब जाएगा तो उसमें होता है कॉर्न स्टार्च, तो जो इस मिक्सचर को थिक बना देता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि फालूदा जो है बहुत पतला रहेगा। और बहुत गाढ़ा फालूदा भी ना बनाए, मतलब परफेक्टली बना सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखिए उबाल आ रहा है, लगातार मैं चलाती जा रही हूँ। अब इसको देखिए हाई फ्लेम पे मैंने लगातार इसको करीब 3 से 4 मिनट पकाया है। हो सकता है आपको 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं सेवई कुक करने में, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बंद कर दिया, ठंडा कर लिया, और अब इसको सर्व करने के लिए एक ग्लास लेंगे, और ग्लास में डाल देंगे ये फालूदा वाला जो मिक्सचर मैंने बनाया है। तो रूह अफ़ज़ा मैंने बॉटम में डाला, और या फिर आप चाहें तो रोज़ सिरप डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया फालूदा वाला वो मिक्सचर, और अब इसमें डालेंगे हम लोग तुत मलंगा या फिर बेजल सीड। ये देखिए मैंने बेजल सीड भी डाल दी है, और इसके बाद थोड़ा सा और फालूदा में डाल रही हूँ, और ढेर सारा मैंने डाला बेजल सीड। अमूल आइसक्रीम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आप अपने पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम डाल सकते हैं, ये रोज़ फ्लेवर का वैसे ये है, तो इसके साथ मैंने ये वाला डाल दिया है राजभोग फ्लेवर जो होता है वो वाला मैंने लिया है। फिर कटे हुए बादाम चॉप लिए ऊपर से, और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा हल्का सा ड्रिज़ल कर दिया है, और आप देखें प्रॉपर फालूदा रेडी हो चुका है, बहुत यम्मी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।